गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स. लास्ट डे आई हैव सेंट यू एन असाइनमेंट. आई होप यू हैव डन दैट असाइनमेंट. टुडे आई एम टेलिंग यू द आंसर्स ऑफ दैट असाइनमेंट. प्लीज लिसन केयरफुली. प्यारे बच्चों, जो कल असाइनमेंट मैंने भेजा था तो उसको ये जो क्वेश्चन आंसर थे वे आपने करने थे. तो जिन बच्चों ने कर लिए हैं या जिन बच्चों ने नहीं किए हैं, तो जिन्होंने कर लिए हैं वे अपने क्वेश्चन आंसर जो है मैच कर सकते हैं, और जिन्होंने नहीं किए हैं तो वो भी इसके आंसरों को देख सकते हैं भाई किस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा. तो सबसे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, पहले जो है क्वेश्चंस को हमने कवर करना होता है. इसमें जो ये असाइनमेंट भेजा गया था, इसमें ये किसके बारे में था? रिलक्टेंट एलिफेंट, यानी जो एक हाथी था और उस हाथी ने क्या कर दिया था भाई, इच्छा जाहिर नहीं की थी. रिलक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छा दिखाना. तो एक हाथी था, उसकी किसी काम को करने की इच्छा नहीं थी. तो ये जो पैरा है किससे संबंधित है? कोई हाथी है और उसकी किसी काम को करने की इच्छा नहीं थी. रिलक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छा दिखाना. तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था ए ऑप्शन पे, व्हाई डिड द हेड प्राइस्ट, व्हाई डिड द हेड प्राइस्ट येल एट द महावत, यानी जो मुख्य जो पादरी था वो महावत पर क्यों चिल्लाया. व्हाई डिड द हेड प्राइस्ट येल एट द महावत, यानी जो मुख्य जो पादरी था वो महावत पर क्यों चिल्लाया. What explanation was offered by the महावत, और महावत के द्वारा क्या स्पष्टीकरण दिया गया, क्या explanation दी गई. महावत आपको पता है जो हाथी को चलाता है, जो हाथी को हाँकता है, तो उसको महावत कहते हैं. तो ये अब स्टार्ट करते हैं. अब इसने इसमें से आपने क्या करना है, जो हम पैरा अभी पढ़ेंगे इसमें से इस क्वेश्चन का आपने आंसर ढूंढना है ए पार्ट का. Why did the head priest yell at the महावत, यानी जो मुख्य जो प्राइस था, जो मुख्य पादरी था, वो महावत पर क्यों चिल्लाया. व्हाट एक्सप्लेनेशन वाज ऑफर्ड बाय द महावत, और महावत ने क्या व्याख्या दी, क्या स्पष्टीकरण दिया. तो स्टार्ट करते हैं. वेयर इज केशवन, केशवन कहाँ है. वेयर इज केशवन, केशवन कहाँ है. येल द हेड प्राइस्ट, जो मुख्य पादरी था वो चिल्लाया. तो मुख्य पादरी चिल्लाया. एज द टाइम टू टेक द आइडल्स, क्योंकि मूर्ति को ले जाने का समय हो गया था. क्योंकि किसका समय हो गया था, मूर्ति को ले जाने का समय हो गया था. अराउंड द प्रहार्स, अराउंड द प्रहार्स यानी जो पहर चल रहा था, जिस पहर में मूर्ति को ले जाना था, तो वो समय हो गया था. वाज नियरिंग, यानी जो पहर था, जो समय था, वो बड़ा नज़दीक था. यानी जिस समय मूर्ति को ले जाना होता है वो समय बड़ा नज़दीक था. देर वॉज नो साइन ऑफ द बीडेक्ड पाचे ड्रम, तो देर वॉज नो साइन, कोई भी चिन्ह नहीं था. बीडेक्ड का मतलब होता है जिसको सजाया सवारा गया हो. बीडेक्ड का मतलब क्या होता है, जड़ित, या जिसको सजाया सवारा गया हो. तो पाचे ड्रम, पाचे ड्रम का मतलब क्या होता है, मोटी चर्बी वाला पशु. यानी जो हाथी था, तो हाथी दिखाई नहीं दे रहा था, जिसको सजा सवार करके वहाँ पर लाया जाता था एट द टावर गेट. तो टावर का जो गेट था, जो मंदिर का जो गेट था, वहाँ पर हाथी को सजा करके, संवार करके हाथी को वहाँ पर लाते थे, ताकि वहाँ से मूर्ति को ले जाया जा सके, मंदिर की परिक्रमा करवाई जा सके. लेकिन वो हाथी वहाँ पर नहीं था. उसका आंसर क्या हो जाएगा अभी पहले क्वेश्चन का, द हेड प्राइस्ट येल्ड, द हेड प्राइस्ट येल्ड, यानी हेड प्राइस्ट इसलिए चिल्लाया. एज द टाइम टू टेक द आइडल्स, क्योंकि मूर्ति को ले जाने का समय हो गया था. अराउंड द प्रहार्स, यानी जो समय था वो समय भी नज़दीक था. वाज नियरिंग, नियरिंग का मतलब नज़दीक होना. और मूर्ति को चारों तरफ ले जाना था भाई, यानी मंदिर की परिक्रमा करवानी थी. देर वाज नो साइन ऑफ द बीडेक्ड पाचेद्रम, और कोई भी चिन्ह नहीं था. पाचेद्रम का क्या मतलब क्या होता है, मोटी चर्बी वाला जो पशु था, जिसको सजा सवार करके लाया जाता था एट द टावर गेट. तो टावर गेट के पास में कोई भी उसका चिन्ह नहीं था, इसलिए वो जो प्राइस था, जो मुख्य पादरी था, वो किसके ऊपर चिल्लाया, किसके ऊपर चिल्लाया, महावत के ऊपर चिल्लाया. तो ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर जो है ये यहाँ पर भी
अब पहले क्वेश्चन का जो आधा जो भाग था भाई, वो क्यों चिल्लाया, यहाँ तक का इसका आंसर हो गया है टावर गेट तक। उसके बाद आपसे पूछा गया था व्हाट एक्सप्लेनेशन वाज ऑफर्ड बाय द महावत, यानी महावत ने क्या स्पष्टीकरण दिया भाई, महावत ने केशवन के बारे में क्या बताया। तो द महावत केम रनिंग टू से, महावत दौड़ते हुए आया टू से यह कहने के लिए दैट द एनिमल वाज ऑफ कलर, यानी जो हाथी था ना उसका जो कलर है वो फीका पड़ गया है, यानी हाथी जो है आज हाथी में उत्साह दिखाई नहीं दे रहा था, आज वो भाई उदास था। हाथी को कह सकते हैं ऑफ कलर का मतलब है उदास होना, हम यहाँ पर कह सकते हैं भाई हाथी क्या था, भाई हाथी क्या था, उदास था, ऑफ कलर यानी उसका रंग फीका पड़ा हुआ था भाई। इट हैड रिफ्यूज टू कम टू द पोंड, उसने तालाब पर भी आने से मना कर दिया था, उसने तालाब पर भी आने से मना कर दिया था, ऑफ कलर का मतलब था रंग फीका पड़ जाना। फॉर द रिचुअल बाथ, भाई जो रिचुअल बाथ, रिचुअल का मतलब होता है जो रस्म संबंधी है, जिसको रिवाज कहते हैं या जो धार्मिक कार्य करने के लिए उसको हाथी को भी नहलाने के लिए तालाब पर लाया जाता था, तो उसको भी उसने मना कर दिया था हाथी ने। और टेक द फूड ऑफर, या भोजन जो उसको वहाँ पर खिलाया जाता था भोजन खाने से भी मना कर दिया था। इट वुड आल्सो नॉट अलाउ क्लोथ टू बी थ्रोन ओवर इट, तो ही इट वुड आल्सो नॉट अलाउ, उसने इजाज़त नहीं दी, किसने इजाज़त नहीं दी, केशवन ने, केशवन कौन था, हाथी था। क्लोथ टू बी थ्रोन ओवर इट, यानी उसके ऊपर कपड़े उसको पहनाए जाएं, हाथी के ऊपर कपड़े डाले जाएं, तो इस बात की भी हाथी ने इजाज़त नहीं दी थी, केशवन ने इजाज़त नहीं दी थी। तो यहाँ तक जो हम कह सकते हैं भाई थ्रोन ओवर इट, तो यहाँ तक पहले क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है, तो सभी बच्चे यहाँ तक इसको लिख लेंगे। इसके बाद है द महावत टोल्ड द प्राइस्ट, तो महावत ने पुजारी को कहा, प्राइस्ट पुजारी को कहते हैं, दैट ही कुड नॉट अंडरस्टैंड, भी मैं यह नहीं समझ सका, हिज वार्ड्स पेटुलेंस, भाई वो जो है वो जो बच्चा है जो हाथी है वो नाराज़ क्यों है। पेटुलेंस का क्या मतलब होता है, पेटुलेंस का मतलब होता है आपको बताया गया है भाई, जैसे चिड़चिड़ा जिसको कहते हैं या बदमिजाजी, जो हाथी है भाई वो ऐसा बुरा व्यवहार क्यों कर रहा है, वो चिड़चिड़ा क्यों हो गया है, तो भाई मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूँ। तो पेटुलेंस का मतलब क्या होता है, चिड़चिड़ापन या बदमिजाजी जिसको कहते हैं, भाई हाथी गुस्से में क्यों है, चिड़चिड़ा क्यों हो गया है। तो आपसे एक क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछा गया है, तो विच वर्ड इन पैराग्राफ 2, यानी पैराग्राफ 2 में कौन सा शब्द ऑफ द पैसेज, यानी पैसेज के अंदर जो पैराग्राफ 2 दिया गया है मीन्स द सेम एज, इसका समान अर्थ निकलता हो। बैड टेम्पर का मतलब है क्रोधी होना, अब नाराज़ होगा तो गुस्सा तो आएगा ना, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, पेटुलेंस। तो बैड टेम्पर का मीनिंग क्या हो जाएगा, सेम मीनिंग क्या हो जाएगा, पेटुलेंस हो जाएगा। इसके बाद है ही कुड नॉट गेट द एलिफेंट रेडी, भी मैं हाथी को तैयार नहीं कर सका फॉर द डे प्रोसेशन, यानी जो रोज़ाना जुलूस के लिए, जलसे के लिए, प्रोसेशन क्या होता है, प्रोसेशन होता है जुलूस या जलसा, यानी जिस जलसे के लिए भी हाथी को तैयार किया जाता था, तो मैं उसको हाथी को तैयार नहीं कर सका। द महावत, जो महावत था ना, रिटर्न टू द एलिफेंट सेड, जो महावत था वो हाथी के छप्पर के पास लौटा एंड फाउंड, और क्या पाया, केशवन स्टिल सल्किंग, यानी जो केशवल है, जो केशवन था ना वो अभी भी क्या है, नाराज, यानी केशवन जो है वो क्या था, अभी भी नाराज था। तो अब एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे, फाइंड ए वर्ड इन पैराग्राफ, यानी पैराग्राफ से आपने एक शब्द ढूंढना है, पैराग्राफ 3 से ऑफ द पैसेज, यानी पैसेज के अंदर जो पैराग्राफ 3 दिया गया उससे एक शब्द ढूंढना है, दैट इज द एंटोनियम ऑफ द चेयरफुल, जो क्या है चेयरफुल का क्या है, एंटोनियम, एंटोनियम का मतलब क्या होता है, विपरीतार्थक। तो एंटोनियम का विपरीत, एंटोनियम यानी विपरीतार्थक शब्द ढूंढना है किसका, चेयरफुल का। तो चेयरफुल का विपरीत क्या हो जाएगा भाई, सल्किंग, सल्किंग का मतलब नाराज होता है, और चेयरफुल का मतलब क्या होता है, खुश, सल्किंग का मतलब होता है नाराज, रूठना, खिंच जाना, तो ये सल्किंग का मीनिंग होता है, और चीयरफुल का मतलब खुश होता है, तो ये अपने आप सल्किंग क्या हो गया, चीयरफुल का अपोजिट हो गया, एंटोनियम हो गया। वट ए कंट्रास्ट टू द नॉर्मल रूटीन, यानी जो आज वो व्यवहार कर रहा था ना उसकी नॉर्मल रूटीन से बिल्कुल क्या था, विपरीत था भाई। वट ए कॉन्ट्रास्ट टू द नॉर्मल रूटीन, और ये जो उसका व्यवहार था उसके नॉर्मल रूटीन से, रोजाना के रूटीन से क्या था, बिल्कुल विपरीत था। तो अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन B, व्हाट वाज केशवन डेली रूटीन, यानी केशवन का रोजाना का रूटीन क्या था, बिफोर प्रोसीडिंग फॉर द टेम्पल, यानी मंदिर में जाने से पहले, मंदिर में पहुंचने से पहले केशवन
केसवन का रोजाना का रूटीन क्या था? केसवन कौन था? एक एलिफेंट था भाई, एक हाथी था, तो उसका रोजाना का रूटीन क्या था? तो यहाँ से शुरू हो जाएगा एवरी डे, यहाँ से शुरू हो जाएगा एवरी डे, एवरी डे रोजाना इट वुड बी अप ऑन हिज फीट, यानी वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता था, विद ए मियर प्रोड, थोड़ी सी चुभन से, प्रोड क्या कहते हैं भाई, चुभोना, थोड़ी सी चुभन से ही वो, जब उसको अंकुश लगाया जाता था, डंडा लगाया जाता था, डंडे को चुभवाया जाता था, फ्रॉम हिज महावत, यानी उसके महावत के द्वारा, यानी जब महावत उसको थोड़ा सा डंडा चुभोता था तो इसके साथ ही वो खड़ा हो जाता था अपने पैरों पर, इट वुड देन वॉक टू द पॉन्ड, तब वो चल करके तालाब की तरफ जाता, एंड अलाउ द महावत, और महावत को इजाज़त होती टू वॉश भी, उसको नहलाए एंड स्क्रब इट, और उसको रगड़े, यानी महावत फिर उसको तालाब पर क्या करता था, महावत उसको भाई उसकी सफाई करता था, उसको रगड़ता था, स्क्रब का मतलब क्या होता है, रगड़ना, बैक एट द साइड, और वहाँ से जब वो छप्पर में आ जाता था, इट वुड ईट शुगर केन, तो वो क्या खाता वहाँ पर, शुगर केन यानी गन्ने को खाता, जैगरी गुड़ खाता, एंड फ्रूट्स फलों को खाता, देन इट वुड लेट द महावत अप्लाई विभूति, उसके बाद वो महावत को क्या कहता भाई, महावत से, महावत क्या करता था उसके ऊपर विभूति को, विभूति को अप्लाई करता, विभूति लगाता, और जो सांदल का जो पेस्ट था वो उसके ऊपर लगाता, ऑन इट्स फोरहेड, उसके माथे पर, उसके माथे पर विभूति लगाता, सांदल का पेस्ट लगाता, एंड ट्रंक और उसी सूंड पर भी लगाता, देन इट वुड नील, तो उसके बाद वो झुक जाता, एंड अलाउ द क्लोथ्स टू थ्रोन ओवर इट, और इजाज़त दे देता था उसके ऊपर वो कपड़े पहना सकता है, एंड ए माउंट प्लेट ऑन इट्स बैक, और उसकी पीठ के ऊपर एक बेसी आसन को रख सकता है। तो यहाँ तक भाई ये जो है ये पार्ट है, हम इसको कह सकते हैं ये जो सेकंड यानी बी की जो पार्ट है, ये बी पार्ट का आंसर हम कर रहे हैं। वंस रेडी, जब वो तैयार हो जाता है, इट वुड वॉक टू द टेम्पल गोपुरम, तो जो टेम्पल यानी जो गोपुरम जो टेम्पल था वहाँ पर वो जाता, एंड वेट विद द महावत, और महावत का इंतज़ार करता, टिल द प्राइस्ट कॉल केम, यानी जो महावत है, महावत है किसका इंतजार करता, हाथी भी इंतजार करता है जब तक प्राइस्ट उसको बुला नहीं देता। तो वंस रेडी, एक बार जब वो तैयार हो जाता है, इट वुड वॉक टू द टेम्पल गोपुरम, और वो कहाँ जाता है, वो जो टेम्पल था, जो गोपुरम जो टेम्पल है, जो गोपुरम मंदिर है, वो वहाँ पर जाता, एंड वेट विद द महावत, और महावत के साथ इंतजार करता, यानी महावत भी इंतजार करता और हाथी भी इंतजार करता, टिल द प्राइस्ट कॉल केम, यानी जब तक पुजारी उनको नहीं बुलाता, पुजारी उनको नहीं पुकारता, तब तक वे मंदिर के गेट के बाहर खड़े रहते। मंदिर का नाम क्या बताया गया है, गोपुरम। अब ये जो है ये प्राइस्ट कॉल केम, यहाँ तक ये जो है इसका क्या हो जाएगा भाई, रूटीन। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अभी, उसका क्या रूटीन था रोजाना का केसवन का, तो ये आपका रूटीन वाला क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद है आपका पार्ट नंबर 4 आ गया, इसमें पीपल विजिटिंग द टेम्पल, यानी लोग जो है ना वो मंदिर में आते भाई, वुड ऑफर इट बनाना जो, यानी वहाँ पर केले भी भेंट करते, कोकोनट नारियल भी भेंट करते, सम कुछ व्यक्ति हु वांटेड टू बी ब्लेस्ड, जो आशीर्वाद लेना चाहते, वुड ऑफर इट क्वाइंस, वो पैसे भी देते, एज इट टच देयर हेड, और वो हाथी उनके सिरों को छूता, लाइटली विद इट्स ट्रंक्स, अपने सूंड से बड़े हल्के तौर पर उनके सिरों को छूता। इसके बाद है एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन 3 यानी सी पार्ट पूछा गया है, हाउ डिड केसवन परफॉर्म हिज ड्यूटीज़ एज अ टेम्पल एलिफेंट, यानी केसवन ने अपनी जो ड्यूटी है वो कैसे निभाता है एज द टेम्पल एलिफेंट, यानी जैसे मंदिर का, जैसे भाई मंदिर के सामने खड़े होकर के अपनी हाथी वाली ड्यूटी को कैसे निभाता है। तो ये क्वेश्चन अब यहाँ से इसका आंसर शुरू होगा, यहाँ से इसका जो आंसर है वो आपने शुरू करना है सी पार्ट का। वैन इट वॉज टाइम फॉर प्रोसेसन, जब जुलूस का टाइम हो जाता, जब प्रोसेसन का टाइम हो जाता, इट वुड नील, तो हाथी झुक जाता, सो डैट ताकि द आइडल्स कुड बी प्लेस्ड ऑन द माउंट, यानी जो उसके ऊपर भाई माउंट जो सिंहासन रखा गया है उसके ऊपर मूर्ति रखी जा सके, इसलिए हाथी बैठ जाता तभी। देन इट वुड वॉक अराउंड द कंपाउंड, तब उसके बाद वो मंदिर जो परिसर था उसके चारों तरफ चक्कर लगाता, एड बाई द टेम्पल म्यूजिशियंस, उसके आगे आगे भाई मंदिर के जो संगीतकार हैं वे भी उसके आगे आगे चलते, एंड फॉलोड बाय द जोस्टलिंग क्राउड, और जो भीड़ है उसके पीछे पीछे चलती थी हाथी के। टूडे आज केसवन वाज इन नो मूड, तो अब ये जो क्वेश्चन सी है भाई, तो इसका आंसर कहाँ तक हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा तो वहन से लेकर के और जोस्टलिंग क्राउड तक, ये किसका आंसर हो जाएगा, ये सी का आंसर हो जाएगा भाई।
ये सी पार्ट का आंसर है आपका हो जाएगा। और इससे पहले जो है ये बी पार्ट का आंसर आपको बताया गया था, बी पार्ट का आंसर आपको कहाँ से बताया गया था, अभी एवरी डे यहाँ से लेकर के और क्राइस्ट काल केम यहाँ तक ये है आपका बी पार्ट हो जाएगा। इसके बाद जो ए पार्ट है, ए पार्ट के बारे में बताया गया था आपका येल से लेकर के येल, हमने कहना है द हेड प्राइस्ट येल्ड, यानी येल्ड को प्राइस्ट के बाद में लिखना है, और यहाँ से लेकर के इसके बाद है आपने कहना भी थ्रोन ओवर तक, थ्रोन ओवर तक यहाँ तक ये जो है ये ए पार्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों पार्ट मैंने इसके बारे में बताया है, तीनों पार्ट के आंसर के बारे में बताया है। इसके बाद है फाइव जो इसका पार्ट है उसमें हम आ गए हैं, टूडे केसुन वाज इन नो मूड, आज केसुन का जो मूड था ना वो अच्छा नहीं था। टू फॉलो दिस डेली रिजिमन, रेजिमन का मतलब होता है अभी, वैसे तो रिजाइन का मतलब होता है नियम, यहाँ रेजिमन का मतलब होता है अभी रहन सहन और आहार व्यवहार संबंधी, यानी जो रोजाना के जो नियम थे ना आज वो उनको नहीं मान रहा था भाई, जो रोजाना काम करता था तो उसको फॉलो नहीं कर रहा था, तो आज के सुन का मूड नहीं था, उस हाथी का कोई मूड नहीं था, यानी जो काम वो रोजाना करता था ना वो काम करने का आज उसका मूड नहीं था। द महावत अनहैप्पी, जो महावत था वो भी बड़ा उदास था। अब एक जो महावत था एक रिजाइन रेजिमन का मीनिंग पूछा गया भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स द सेम एज रेजिमन, तो इसका मीनिंग क्या है अभी, सेम मीनिंग आपको बताना है। तो ऑप्शंस दिए गए, चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से एक चौथा ऑप्शन है ए रूटीन और ए सेट ऑफ रूल्स, ए रूटीन और ए सेट ऑफ रूल्स, तो ये इसका आंसर होगा ए रूटीन और ए सेट ऑफ रूल्स। तो ये 1.2 में जो ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उसका सी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा रेजिमन का, ए रूटीन और ए सेट ऑफ रूल्स। इसके बाद अभी पार्ट नंबर सिक्स है द महावत, जो महावत था अनहैप्पी वो उदास था एट द फेलियर ऑफ द मॉर्निंग प्रोसेशन, क्योंकि जो सुबह का जो जुलूस निकलना था वो असफल रहा था। वेंट होम फॉर ब्रेकफास्ट, वह सुबह का नाश्ता करने के लिए महावत अपने घर गया। तो देयर ही फाउंड गोपू, तो वहाँ उसने गोपू को पाया, वहाँ पर उसको घर पर क्या कौन मिला, गोपू, और गोपू कौन था, वो महावत का बेटा था हिज सन, स्टिल प्लेइंग, और वो अभी भी खेल रहा था। ही आस्क्ड हिज वाइफ, तो महावत ने अपनी पत्नी से पूछा वाई गोपू हैड नॉट गोन टू स्कूल, भी जो गोपू है वो स्कूल क्यों नहीं गया। सी एक्सप्लेंड, तो उसने क्या कहा, डैट द चाइल्ड हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम ए हॉलीडे, यानी जो बच्चा है वो अभी छुट्टी बिता करके आया है, एंड नीडेड ए लिटिल ब्रेक बिफोर रिज्यूमिंग, उसको थोड़ी सी और रेस्ट की जरूरत है इन दोबारा से पढ़ाई शुरू करने से पहले, उसको कुछ रेस्ट की जरूरत है। हिज रूटीन, यानी जो अपना रूटीन कार्य करता है, तो रूटीन कार्य करने से पहले उसको कुछ और आराम की जरूरत है। गोपू वाज ए गुड स्टूडेंट, यानी गोपू जो है ना पढ़ने में एक अच्छा बच्चा था। एंड हिज मदर वाज कॉन्फिडेंट, और उसकी मम्मी को पूरा विश्वास था डैट ही वुड रिज्यूम हिज शेड्यूल ऑन हिज ओन वे, यानी वो अपने ढंग से अपना जो शेड्यूल है अपना जो उसका कार्यक्रम है वो अपने ढंग से फिर से उसको रिज्यूम कर लेगा, धारण कर लेगा। शेड्यूल वो होता है जो काम हम रोज़ाना करते हैं, यानी जो काम रोज़ाना निश्चित समय पर होता है उसको क्या कहते हैं, शेड्यूल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो पैरा नंबर सेवन है भाई, सेवन्थ पैरे में एक क्वेश्चन का आंसर छिपा हुआ है, व्हाट मेड द महावत रियलाइज, भाई किस बात ने महावत को एहसास करवाया, क्वेश्चन नंबर डी है, व्हाट मेड द महावत रियलाइज, यानी महावत को किस तरह से एहसास हुआ, द काज, भाई क्या कारण है बिहाइंड केसवन अनकोऑपरेटिव बिहेवियर, यानी केसवन का जो अनकोऑपरेटिव बिहेवियर था उसके पीछे क्या कारण है, केसवन ने सहयोग क्यों नहीं किया, यानी केशवन का जो व्यवहार है वो अनकोऑपरेटिव क्यों रहा, तो उसके पीछे भी महावत ने क्या एहसास किया, अभी इसके पीछे क्या रीजन है, इसका आंसर हम ढूंढेंगे। अब सडनली द महावत अंडरस्टूड, अचानक से भी जो महावत है उसको समझ में आ गया, अचानक से महावत को समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया, वाई केशवन हैड बीन सो रिकल्सिट्रेंट, रिकल्सिट्रेंट का मीनिंग पता होना चाहिए अभी, रिकल्सिट्रेंट का मीनिंग आपसे पूछ रखा है डी पार्ट में, तो इसका मतलब क्या होता है, आज्ञा न मानने वाला, और जो आज्ञा नहीं मानता उसको क्या बोलते हैं, डिसोबीडियंट बोलते हैं, जो आज्ञा नहीं मानता उसको क्या बोलते हैं, डिसोबीडियंट बोलते हैं, तो ये इसका मीनिंग है रिकल्सिट्रेंट का। तो उस दिन
भाई महावत को मुदा महावत अंडरस्टूड महावत समझ गया भाई केशवन हैड बीन सो रिकल्सिटेंट, यानी केशवन जो है केशवन ने कहा क्यों नहीं माना दैट मॉर्निंग, उस सुबह केशवन ने कहना क्यों नहीं माना, इट हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम ए मंथ लॉन्ग कैंप, वो केशवन जो था ना वो एक महीने के लंबे कैंप से वापस आया था, और वो कैंप कहाँ लगा था, मुदुमलाई, जो मुदुमलाई नाम की जगह थी, मुदुमलाई नाम की जो जगह थी तो वहाँ से केशवन आया था, वेयर इट हैड ए ग्रेट टाइम, जहाँ उसने समय अच्छा बिताया था, एमिडेस्ट वेस्ट ओपन स्पेसिज अनफेटर्ड, क्योंकि वहाँ पर उसको बीड़ी वगैरह भी नहीं डाली गई थी, ये पैरों में बीड़ियाँ वगैरह नहीं डाली गई थी, चेन्स वगैरह नहीं डाली गई थी, बाई थ्रोंगिंग होमस, और उसके चारों तरफ लोगों की भीड़ लगी रहती थी और वहाँ पर बीड़ी वगैरह नहीं डाली गई थी, तो इसलिए वो वहाँ पर उसने अच्छा समय बिताया था, इसलिए उसको आज वहाँ पर क्या महसूस हो रहा है, तो वो वहाँ पर है भाई, उसने कहा इसलिए नहीं माना क्योंकि वहाँ पर उसने अच्छा समय बिताया और आज फिर से अपने उस पिछले वाले काम को करने में उसको मुश्किल हो रही थी, तो ये इसका जो क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन डी का आंसर हो जाएगा, तो इसको आंसर में कहाँ से लिखना आपने, द महावत से लेकर के और थ्रोंगिंग होमस तक, तो ये डी का आंसर हो जाएगा, जो डी पार्ट है उसका ये आंसर हो जाएगा। तो केशवन लाइक गोपू, यानी केशवन भी जो था वो गोपू की तरह ही था, जो केशवन जो हाथी था वो भी किसकी तरह था, गोपू की तरह, प्रोबेबली नीडेड ए पीरियड ऑफ एडजस्टमेंट, उसको भी कुछ एडजस्टमेंट का समय चाहिए, उसको भी कुछ समायोजन का समय चाहिए, एडजस्टमेंट का मीनिंग क्या होता है, समायोजन करना, बिफोर इट रिज्यूम्ड इट्स नॉर्मल शेड्यूल, यानी दोबारा से नॉर्मल शेड्यूल धारण करने से पहले, दोबारा से अपने उसी काम को करने से पहले उसको समायोजित होने के लिए, उसको एडजस्टमेंट करने के लिए कुछ समय चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे आशा करता हूँ कि सारे जो क्वेश्चन आंसर हैं कल आपसे जो पूछे गए थे वे सारे आपके क्लियर हो गए होंगे, ठीक है, तो सभी अपने मैच कर लेना, तो जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और साथ में जो लाइक बटन है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपने लाइक पे भी क्लिक करना है, और राइट हैंड की तरफ जो बेल का नोटिफिकेशन बना हुआ है उसको भी आपने प्रेस करना है और ऑल पे क्लिक करना है, ताकि जितनी भी वीडियोज डाली जाती हैं सभी के नोटिफिकेशन जो हैं वे आपके पास पहुँचते रहें, ठीक है, और अगर आपका कोई डाउट है, कोई आपका डाउट है, कोई क्वेश्चन आपने पूछना है मेरे से, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख करके भेज सकते हो। ओके, थैंक यू।